हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने वीडियो में किचन डेकोर के लिए आइटम बना रही हूँ, ये वाला वॉल डेकोर। तो आप बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। और तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक प्लाई का, जो मेरे यहाँ पड़ा हुआ था टुकड़ा, वो ले लिया है। और न्यूज़पेपर का रोल बना के उसे हम ग्लू गन की हेल्प से इस पर स्टिक कर देंगे। अगर न्यूज़पेपर ना हो तो आप एल्युमिनियम फॉइल भी ले सकते हो। इसको अच्छी तरह ग्लू गन से हम लोग स्टिक कर देंगे। और फिर उसके बाद मतलब जो शेफ़ का जो बॉडी है वो पूरा हम न्यूज़पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉइल से बना लेंगे। ये देखिए, इस टाइप से आपको बना लेना है इसको अच्छे से, और अच्छे से स्टिक कर लेना है। और अगर आपको ये कहीं पर भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और शेयर भी करिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वॉल डेकोर आइटम लाते रहूँगी। तो ये देखिए, ये बन गया हमारा शेप। अब हम क्या करेंगे ना, इसको वॉल पुट्टी का क्ले बना लेंगे और उसके हेल्प से इसको पूरा कवर कर देंगे। अगर आपके पास शिल्प के क्ले हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने वॉल पुट्टी का यूज़ किया है। और इसको वॉल पुट्टी का जब क्ले हम लोग बनाते हैं तो उसको पानी की हेल्प से पहले स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए, इस टेप से फिंगर के टिप पे आपको पानी लगाना है और हल्के हाथों से इसको स्मूथ कर लेना है। ये देखिए, इस टाइप से तो हमारा पूरा सरफेस जो है स्मूथ हो जाएगा। इसी टाइप से पूरा हम लोग पूरा इसका जो बॉडी पार्ट है वो हम क्ले की हेल्प से कवर कर लेंगे। तो ये मैंने अभी हाथ के लिए अलग से बनाया है क्योंकि हाथ हमें अलग से दिखना है। तो इस टाइप से ये हाथ बना लेंगे हम लोग इसको, और इसको पूरा कवर कर लेंगे अच्छे से इस टाइप से। ये देखिए, पानी की हेल्प से। और हाँ, इसे बनाने के लिए हमें पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे बनाना पड़ता है। पर ये बनने के बाद इतना अच्छा बनेगा ना, ऐसा लगेगा कोई आएगा तो पूछेगा कि हाँ आपने ये मार्केट से ख़रीदा है क्या। ये देखिए, तो ये मैंने बॉडी पार्ट पूरा बना लिया है इसका। अब हम इसकी कैप बना लेंगे, और इसकी कैप जैसे शेफ की होती है ना, उसी टाइप से हमें बनाना है। तो उसको फिंगर की हेल्प से हम लोग इसका शेप दे देंगे। ये देखिए, और जो लाइन्स हैं, जो भी आपके पास, अगर नाइफ़ है, नाइफ़ की हेल्प से भी आप इसके उस पर लाइन बना सकते हैं। मैंने पेंसिल से ही बना दिया। और अगर आपके पास टूल्स है, क्ले के जो टूल्स आते हैं, तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप टूल्स लो। आप घर में जो भी आपका आइटम पड़ा है स्केल से कर सकते हैं, इवन नाइफ से कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी हम लोग छोटी छोटी आईज, लिप्स वगैरह पूरा इसका बना लेंगे अच्छे से। देखिए, हमारा ये अपर पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी इसका जो टाई होता है, कोट, वो बना रही हूँ मैं। तो उसको आप छोटा छोटा रोल करके बस ग्लू लगाते जाना है और इसे चिपकाते जाना है। और वैसे भी अगर ये गीला रहता है तो आप ग्लू नहीं भी लगाओगे तो भी इजीली चिपक जाता है, क्योंकि ये वॉल पुट्टी है। और वॉल पुट्टी क्या है ना, आपको सस्ती पड़ती है। अगर आप क्ले यूज़ करोगे तो वो बहुत कॉस्टली आता है। उतना कॉस्टली तो नहीं आता है, बट फिर भी अगर आप इतना सारा आइटम बना रहे हो और क्ले लगाओगे तो बहुत लग जाएगा। ये देखिए, तुम्हारा पूरा शेप कंप्लीट हो गया है। अब ये जो बोर्ड है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ करके पूरा पेंट कर लेंगे। अब मैं इसे मिक्स करके पेंट कर रही हूँ, येलो ऑरेंज करके। स्टेप से मैंने इसको कलर दिया है, और शेप को पूरा वाइट कलर का हम लोग पेंट कर लेंगे। देखिए, क्योंकि शेफ़ की तो ड्रेस वैसे ही वाइट होती है ना, तो हमें पूरा वाइट इसे पेंट कर लेना है अच्छे से ब्रश की हेल्प से। आप ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हो या फिर एक्रेलिक कलर भी। और स्किन के लिए, अगर आपके पास स्किन कलर नहीं है तो ऑरेंज में वाइट मिला के आप स्किन कलर बना सकते हैं इसका। और जो आपकी आइज़ के जो बॉल्स हैं वो मैं परमानेंट मार्कर से कर दूँगी। ये देखिए, और ये शेफ़ की बटन बन गई है परमानेंट मार्कर से। लग रहा है ना बिल्कुल एकदम मार्केट जैसे। अब यहाँ पे आपको जो कोटेशन लिखना है वो आप लिख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे। वैसे भी नेट पे अगर आप सर्च करोगे किचन के लिए कोटेशन, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मॉम्स किचन करके। देखिए, तो मैंने लिख दिया है, कम्प्लीट हो गया है। अब हम इसकी बॉर्डर बना लेंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए भी मैंने क्ले का ही यूज़ किया है। क्ले को यूज़ करके रोल कर लिया है इस टाइप से। तो इसे हम चारों तरफ लगा देंगे, जो भी एक्स्ट्रा है उसको नाइफ की हेल्प से कट कर देंगे और इसको अच्छे से चिपका देंगे।
फिर उसके बाद मैं इस नाइफ़ की हेल्प से ही उस पर क्रॉस क्रॉस मतलब लाइन लाइन करके डिज़ाइन बना रही हूँ। और फिर शेफ़ के हाथ शेफ़ है तो ऑब्वियसली उसके हाथ में स्पून तो हो गई, तो ये स्पून मैंने अगरबत्ती की जो लकड़ी होती है ना उसमें, और ये भी क्ले हाथ से ही बनाया है, उससे लाया है। और जो हमने बॉर्डर बनाई थी उसको हम गोल्डन टच दे देंगे, पहले ब्लैक कलर कर दिया उसके बाद गोल्डन से उसको फिनिश कर दे रही हूँ। देखिए इस टाइप से, तो वो दिखने में अच्छा लगेगा। ऐसे मैंने बहुत सारे डेकोर आइटम बनाए हैं जो मैंने अपलोड भी किए, देखिए लग रहा है ना डिज़ाइनर। उस पर गोल्डन टच कर दिए, पास से दिखाती हूँ मैं। और ये जो स्पून है इसको ब्लैक कलर पेंट करने के बाद मैंने इस पर सिल्वर करा था। इस टाइप से पूरी बॉर्डर हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये देखिए, तो हम ये इसमें थोड़ा सा ग्लू लगा के इसके हाथ में फंसा देंगे।